हेलो स्टूडेंट्स, SSDN प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टूल देख रहे हैं, इसे हिंदी में गिरमिट बोला जाता है और इंग्लिश में गिमलेट बोला जाता है। जिमलेट, गिमलेट, गिरमिट, इस तरीके के नामों से इसे जाना जाता है। ये एक सिंपल सा टूल है जो पहले बहुत यूज़ होता था। हमारे जो कारपेंटर हैं वो इसे यूज़ करते थे। एक्चुअल में ड्रिल मशीन का जो यूज़ है वो आज बढ़ गया है, बट ड्रिल मशीन के पहले इन टूल्स का यूज़ किया जाता था। इन टूल्स के माध्यम से आप लकड़ी पर कितनी भी गहराई में होल कर सकते थे, जो कि वर्तमान में जो ड्रिल मशीन है उसमें पॉसिबल नहीं था। अगर वर्तमान के ड्रिल मशीन में आपको ज़्यादा गहरा ड्रिल करना है तो आपको जो ड्रिल का बिट होता है वो बदलना पड़ता था, बट इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग को देखते हैं। देखिए, ये टूल्स है, इसे गिमलेट और या गिरमिट कहते हैं। गिरमिट कहते हैं, इसे चलाने के लिए हमें घुमाते हुए चलाया जाता है। इसके पार्ट्स में ये टिप है, ये दो फ्लूट बने हुए हैं जो वुड को काटते हुए आगे जाते हैं। ये स्पाइरल बने हुए जिससे डीप में कटिंग करने में वो रॉ मटेरियल इससे ऊपर फेंकेगा। ये बॉडी पे होता है, ये टैंक जहाँ पर आप होल्डिंग के लिए दबाव देने के लिए इस वाले भाग पर वुड का हैंडल लगाया जाता है। इसका साइज़ ये टिप से लेकर ये जहाँ टैंक हील होता है वहाँ तक के साइज़ को बताया जाता है। इस पॉइंट से ये टिप तक की डिस्टेंस को, ये अलग अलग साइज़ों में आते हैं, अलग अलग लेंथ पर आती है। साइज मेरा मतलब से इसके डायमीटर से है और लेंथ आपको बता रहा है अलग। एक फिट भी आता है, डेढ़ फिट भी आता है, दो फिट के भी लंबाई पर आता है। यह इसका यूज़ ख़ास तौर से डीप होल करने के लिए किया जाता है। इस टूल का उपयोग सबसे ज़्यादा पहले भी करते थे, आज भी करने के लिए। होल तो मशीन से भी होता है, मगर मशीन में लगभग इतना बिट लगाया जाता है जो 4 इंच का ही होता है। 4 इंच की डिस्टेंस तक में ही होल किया जा सकता है, थ्रो आउट किया जा सकता है। मान लो कि 4 इंच से ज़्यादा, 5 इंच या 6 इंच पर थ्रो आउट आपको होल बनाना है तो वो नहीं होगा, बिट को चेंज करेंगे। पहले के समय 4 से 5 इंच की ही बिट आती थी, उस समय आपका इस टूल का इस्तेमाल किया जाता था डीप के लिए। जैसे 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तक की गहराई पर हम इससे होल बना सकते हैं। साइज़ के लिए मैंने बताया, ये अलग अलग साइज़ के लिए, अलग अलग डायमीटर के लिए ये गिरमिट आती है। इस पर फ्लूट बने होते हैं, ये जो लकड़ी को काटते हुए जाते हैं, ये टिप और ये फ्लूट, ये इनसे काटा जाता है। ये आपके सामने कारपेंट्री वाइज है। इसे हमें एक वुड हम होल्ड करके रहे हैं जिस पर हम गिमलेट के द्वारा छिद्र बनाते हुए, होल बनाते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये कारपेंट्री वाइज है, इसे हमने होल्ड किया वुड को। इसे हमने टाइट कर दिया। अब जहाँ पर भी हमें इसे होल बनाना है वहाँ पर हम इस पॉइंट को रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करके दबाएंगे और इसको ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब आप देखिए कि ये टूल कितनी जल्दी मटेरियल को ट्रिम करता है। देखिए, ये आप देख रहे हैं,
ये मटेरियल चिप्स के फॉर्म में रिमूव हो रहा है और ये होल हो चुका है।